तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा लीक फ्री क्लाइंट जो आप यहाँ पे पीवीपी में लेके सर्वाइवल में सभी में यूज कर सकते हो। और इस क्लाइंट के साथ में आपको जो मोड और जो फ्यूचर मिलते हैं वो आपको किसी भी क्लाइंट के साथ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी पॉकेट एडिशन में, तो बता देता हूँ। और अगर आप इस क्लाइंट को लगा के खेलोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा FPS बूस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो फटाक से अभी हम अपने क्लाइंट की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे गेम के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम अलग से देखने को मिल जाती है। आपको एकदम सारी की सारी चीज़ें न्यू कस्टमाइज देखने को मिलती है। और अभी मैं आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्वाइन करके दिखाता हूँ। इसमें आप ये क्लाइंट लगाओगे तो आपका यहाँ पे वर्ल्ड ज्वाइनिंग टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और मैंने आपके यहाँ पर फटाक से वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है। और वर्ल्ड ज्वाइन करने के बाद में आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी गेम प्ले लैग नहीं कर रहा, एकदम ज़्यादा स्मूथ से स्मूथ चल रहा है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी ऊपर, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये चीज़ें आप कहाँ से ऑन कर सकते हो और ये मोड आपको कहाँ से बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे मोड मैं पहले आपको बता देता हूँ जो इस क्लाइंट के साथ ही मिलते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे 3 या 4 MB की क्लाइंट है उसको डाउनलोड करना है और फिर आपको ये सारे के सारे मोड देखने को मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपके मोड सेक्शन में आ चुका हूँ। मोड सेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हो कितने सारे मोड आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको यहाँ पे 20+ मोड देखने को मिल जाएंगे और उसको आप सारे के सारे को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो अपने हिसाब से। जो मोड आपको अच्छा लगता है वो मोड आप रखो और जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसको इनेबल या डिसेबल पे क्लिक करना है वो आपका यहाँ पे इनेबल डिसेबल हो जाएगा। और इसको आप यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, उसे आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कस्टमाइज आपको करके बता रहा हूँ। तो आप इसे अपने हिसाब से इसकी लेंथ या बैकग्राउंड ओपेसिटी रख सकते हो। तो ये सारे के सारे चीज़ों में सेट हो सकता है। और फिर अपने यहाँ पे क्रोशर आ चुका है, तो अभी आप यहाँ पे क्रोशर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और आपको यहाँ पे अमंग अस क्रोशर भी देखने को मिलता है, तो मुझे सबसे अच्छा ये क्रोशियर लगा क्योंकि ये मुझे यहाँ पे पीवीपी खेलता हूँ तभी ये क्रोशियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको ये पीवीपी खेलने में बहुत ज़्यादा क्लाइंट काम करेगी। तो अभी आपको यहाँ पे क्लाइंट के मैंने सारे के सारे फीचर बता दिए हैं। और अभी मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्लाइंट डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इसको प्ले कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको डाउनलोड करने के लिए या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगी। और सिंपली आपको डाउनलोड करके इसका रीनेम करके आपको यहाँ पे mcp.com ऐसे लिख देना है और फिर आपकी ये सीधे ही ओपन हो जाएगी माइनक्राफ्ट में। माइनक्राफ्ट में ओपन होने के बाद में आप सिंपली इसको लगा के खेलो, आपको जो मोड अच्छा लगे वो आप इनेबल करो और जो नहीं अच्छा नहीं लगे वो डिसेबल करो। तो हाँ, अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ अगले एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।